कांग्रेस में फूटते लेटर बम और सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप के बीच रूठों को मनाने की कवायद शुरू हो गई है। रूठों को मनाने कांग्रेस के सीनियर नेता उनके घर घर जाएंगे। इसके लिए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने बैठक में सख्त निर्देश दिए हैं। बैठक में बड़ा फैसला भी लिया गया। महतारी वंदन योजना की तर्ज पर कांग्रेस नारी न्याय योजना को लेकर फॉर्म भराएगी। पायलट ने कहा, नारी न्याय योजना के तहत कांग्रेस बीपीएल महिलाओं को 1,00,000 रुपये सालाना देगी। इसके लिए प्रदेश भर में अभियान चलाकर फॉर्म भराया जाएगा। लोकसभा समन्वयकों की बैठक में पायलट ने पूछा कि आपका पसंदीदा प्रचारक कौन है, आपकी पसंद का प्रचारक देंगे, प्रचार में कोई कमी हो तो तुरंत बताएं, जरूरत होगी तो और प्रचारकों को तैनात करेंगे। पायलट ने रूठों को मनाने की जिम्मेदारी सीनियर नेताओं को दी, साथ ही अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने के निर्देश दिए। हम लोगों ने आज बहुत लंबी चर्चा करी है, हम लोग फॉर्म्स भरवाएंगे, हम लोग लोगों को सूचित करेंगे और गरीब परिवार की महिलाओं को 1,00,000 रुपये साल का देने का कांग्रेस पार्टी का एक घोषणा पत्र में हमने वादा किया है और कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा करती है। ये जुमले और वैसी गारंटी नहीं है जो सिर्फ बोलने की है। 2 करोड़ रोजगार, किसान की आमदनी दुगनी करना, 15 लाख खाते में, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। हम लोग जो कहते हैं वो करेंगे और हमारे घोषणा पत्र में जो लिखा गया है उसको 100% हमारी सरकार बनने के बाद हम लागू करेंगे। बीजेपी का एलिगेशन है दिल्ली की तरह आप गरीब घोटाला छत्तीसगढ़ में भी हो और यहाँ उस पैसे को हम किसी से डरने वाले नहीं है। चुनाव चल रहा है, चलते चुनाव में आप केस करें, FIR करें, लोगों का चरित्र हनन करें और प्रतिशोध की भावना से काम कर लोकतंत्र में विपक्ष को दबाने का काम जो केंद्र सरकार कर रही है, बीजेपी कर रही है, उसको जनता स्वीकार करेगी। हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। ये मैं कह तो रहा हूँ, जो रवैया है ये, इसमें कोई कानून मान मर्यादा बची नहीं है। मना जो कर रहे हैं, पुलिस का, एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है और हम कहते हैं जांच हो, कोई दिक्कत किसी को नहीं, लेकिन जांच सब पे हो और जांच सिर्फ आरोप लगाकर पॉलिटिकली लोगों को डैमेज करने के लिए ना हो, तथ्य तक पहुंचने की हो। और जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उनके खिलाफ आज तक कोई जांच नहीं हुई, ये बहुत बड़ा सवाल देश के सामने। सर, मंत्री भी मोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि खुद तो राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ रहे लेकिन यहाँ चुनाव लड़ाने के लिए आए। कोई क्या बोल रहा है मैं उसको टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि 11 लोकसभा सीट हैं और जब से राज्य बना है हम लोगों को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है, लेकिन इस बार जो फीडबैक मुझे मिला है मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, जनता माई बाप है, जनता जनार्दन है, पब्लिक का सपोर्ट हमको मिलेगा और पहले से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहेगा, उल्टा होगा और इंडिया अलायंस की सरकार केंद्र में बनेगी। कोई भी निर्वाचित मुख्यमंत्री हो, किसी भी दल का हो, उसके खिलाफ इस प्रकार कार्रवाई करना इलेक्शन से ठीक पहले और उसको अरेस्ट कर लेना, ये बहुत आज तक मैंने तो कभी देखा नहीं है। और वो इंडिया अलायंस में है या नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि किसी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के साथ इस प्रकार का रवैया क्या ठीक है। और हम लोगों के गठबंधन दिल्ली में है, हम उनके सामने चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन नैतिकता, संविधान, कानून, मर्यादा, राजनीतिक जो एक आचरण होता है उन सब बाधाओं सीमाओं को लांघ कर बीजेपी की सरकार काम कर रही है। ये तो जज भी आप, वकील भी आप, पुलिस भी आप, कचहरी भी आप, 95% कार्रवाई ईडी की जो होती है वो भाजपा के विरोधी लोगों के ऊपर होती है। इनकम टैक्स CBI की कार्रवाई होती है भाजपा के विरोधी लोगों की होती है, जैसे ही विरोध करना बंद कर देते हैं वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। तो ये जो प्रकरण चल रहा है देश पूरा देख रहा है, लोग बोल ना रहे हो लेकिन एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जहां विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और जो केंद्र सरकार के विरोध में है उस पर केंद्र सरकार की पूरी ताकत उसको क्रश करने में लगी हुई है, उसके आवाज को दबाने में लगी हुई है। ये बीजेपी का एलिगेशन है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.